रायबरेली समाचार चैनल देखने के लिए YouTube के आप सभी दर्शकों को धन्यवाद व आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें। भाजपा से अशोक ने तो बसपा से स्वाति सिंह कटीरिया ने किया नामांकन। सलोन विधानसभा क्षेत्र से 4 ने किया नामांकन, 2 लोगों ने खरीदे नामांकन पत्र। सुरक्षा व्यवस्था के रहे व्यापक प्रबंध, तैनात रहा पुलिस बल। रायबरेली सलोन विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार अशोक कुमार ने भारी लावश्कर के साथ नामांकन किया। वहीं बसपा प्रत्याशी स्वाति सिंह ने भी समर्थकों के साथ पहुंचकर अपने दावेदारी पेश की। इन दोनों के साथ ही आप प्रत्याशी राधेश्याम के साथ ही एक अन्य ने भी नामांकन किया है। इस तरह 4 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। शनिवार को भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार ने कलेक्टरेट पहुंचकर नामांकन किया। उनके साथ ही बसपा प्रत्याशी स्वाति सिंह कटेरिया ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। वीडियो द्वारा स्वाति सिंह कटेरिया सवाल पूछे जाने पर मुद्दों को लेकर बताया कि सलोन क्षेत्र में सड़क के बिजली पानी स्वास्थ्य जैसी बहुत ही समस्याएं हैं। विधायक बनने के बाद सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाएं और सड़कें को एक अच्छी दिशा दिया जाने का काम किया जाएगा। ग्रामीणों से मिलकर आवारा मवेशियों को मिलकर पशु आश्रय केंद्र बनाया जाएगा। इस दौरान समर्थकों का हुजूम सलोन से कलेक्टरेट पहुंचा। हालांकि अंदर मानक के अनुसार ही प्रस्तावक व समर्थकों को जाने दिया गया है। इस रायबरेली समाचार चैनल की खबर देखने के लिए आप सभी दर्शकों को धन्यवाद व आभार। खबर को आगे और भी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहां से आप नामांकन किया? मैं स्वाति सिंह कटेरिया हूं और मैंने इंजीनियरिंग की हुई है रायबरेली से, और मैं 181 विधानसभा सलोन से PSP भारतीय बहुजन समाज पार्टी से खड़ी हुई हूं। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रही हैं इस बार? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी तो सबसे पहले है सलोन का विकास, और जैसे कि सलोन में बहुत ज़्यादा पशु सड़क पर घूमता आवारा पशु सड़क पर घूमते रहते हैं, उससे किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब और स्त्रियां भी बहुत ज़्यादा इलिटरेट हैं, उनको भी अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है। और सलोन की सड़कें, गरीबी इतना ज़्यादा चरम सीमा पे, महंगाई है, इन सब के मुद्दों पे मैं चाहती हूँ कि मैं आगे चल चुनाव लड़ूं। अच्छा, महिला भी हैं, कांग्रेस का स्लोगन है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कितना इम्पैक्ट करेगा ये चुनाव में इस बार, क्या लग रहा है? पता नहीं, कांग्रेस, मैंने तो इसी नारे के साथ मैं चाहती थी कांग्रेस हम लोग को कैंडिडेट बनाए, बट उन्होंने लड़कियों लड़ सकती हूँ के नारों को एकदम बेकार कर दिया। उन्होंने पता नहीं कहाँ से 40% का रिजर्वेशन बोला था, और हमको लगता भी नहीं है 10% भी उन्होंने महिलाओं को खड़ा भी किया है। अच्छा, राजनीति में आप नहीं हैं, किस पार्टी से टक्कर लग रही है आपको? टक्कर तो अभी जैसे किसी पार्टी से नहीं है अभी तो, हाँ अभी तो कुछ नहीं कह सकती, अब देखते हैं। अब हम लोग अपनी 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 मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं जाके हर जगह जगह की, हम लोग वोट मांग रहे हैं और किसी पार्टी से टक्कर नहीं है। अच्छा, बात करें आप सलोन से उम्मीदवार हैं, सलोन के स्थानीय मुद्दे क्या हैं आपके हिसाब से? हाँ, अब आवारा पशु घूमते रहते हैं, स्थानीय मुद्दे बहुत सारे हैं। सलोन बिल्कुल विकास नहीं है, सड़कें एकदम खराब हैं, और महंगाई इतनी ज़्यादा है, मतलब जो हमारे यहाँ अगल बगल के लोग हैं वही लोग सब बातें करते हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, और जो सबके मुद्दे हैं सलोन के मुद्दे हैं, पूरे भारत का यही मुद्दा है। तो सीटें कितनी जीत रहे बीएसपी रायबरेली में, क्या लग रहा है आपको? पूर्ण बहुमत। हाँ, पूर्ण बहुमत से चाह रहे हैं जीत जाएं। ठीक है, थैंक यू। एक मिनट रुक जाइए, वॉक थ्रू कर लें।